धर्मनगरी के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में हरियाणा प्रदेश नंबर वन हुआ करता था। आज हरियाणा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, क्राइम में नंबर वन है। हुड्डा बोले, आज कोई भी वर्ग प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तंज कसते हुए हुड्डा ने कहा कि जिन्होंने कभी लाडवा जाकर देखा नहीं, नारायणगढ़ जाकर नहीं देखा, वो आज आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं। उन्हें लाडवा की जनता वोट की चोट से जवाब देगी। हुड्डा ने कहा कि लाडवा की जनता चौधरी मेवा सिंह को जितवाकर चंडीगढ़ विधानसभा में भिजवाए, लाडवा के विकास कार्य में रफ्तार पकड़ेगी। ये मेरा वादा लाडवा की जनता से है। इनके देखे 14 से 24 तक के रहे, आज किसी में हरियाणा एक बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था ठप हो गई, रोकिया मांगी जा रही है, कत्ल हो रहे हैं और उनका खुद का सोशल प्रॉब्लम इंडेक्स है वो भी हरियाणा को असुरक्षित कर दिया केंद्र सरकार ने। तो इस प्रकार से खेल खिलाड़ी होते थे, आप हमारी पहलवान देखिए वापस न्याय नहीं मिला, तो ये प्रसिद्धि कर दी हरियाणा किया। जैसे कहा आपके कौन सरकार बनेगी, तो जो चल देवा कहा वो करेंगे, पहले भी किया वो करेंगे।